इस प्रकार फिर हम इसको ऐसे ही दूसरे नंबर पे लगा देंगे जिस नंबर पे ये थी। और आप लोग देख पा रहे हो कि कितना अच्छा ब्रूड है, काफ़ी बेहतरीन ब्रूड है। देखिए आपको इनकी क्वालिटी देख सकते हो ब्रूड को देख के ही। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश और स्वागत है आप सभी के इंडियन बजे पैरी पे। दोस्तों आज 21 दिसंबर और आज की हमारी जो वीडियो रहेगी वो रहेगी इस कॉलोनी के बारे में, जिसको कि हम बड़े बॉक्स में शिफ्ट करने जा रहे हैं, जिस बॉक्स के ऊपर मैं बैठा हूँ। तो अभी ये कॉलोनी में जो मुझे लगता है कि इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि इसको बड़े बॉक्स की ज़रूरत है, तो आज हम इसका बॉक्स चेंज करेंगे, इसको बड़े बॉक्स में शिफ्ट करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ इस कॉलोनी के बारे में। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, मैंने यहाँ पे लगभग 3 जो नवंबर को अपनी डिवीज़न निकाली थी, छोटी डिवीज़न निकाली थी अपनी क्वीन मेटिंग के लिए। मैं आप लोगों को बता दूं, और वो मैंने छोटे बॉक्स में निकाली थी इस साइज़ की फ्रेमों पे जो कि आप देख पा रहे हो। और वो सिर्फ ऐसी थी कि जैसे इस बॉक्स का अलग बॉटम बोर्ड लगा था और इसमें छोटी फ्रेमें लगी थी, जिसमें कि मैंने 3-3 फ्रेम की डिवीज़न निकाली थी। और वो लगभग 20 निकाली थी जो कि सक्सेस नहीं हो पाई, क्योंकि उस टाइम पर यहाँ पर रोबिंग चली हुई थी, जिसमें से सिर्फ 3-4 ही सक्सेस हो पाई। तो कुछ मेरे पास अभी मैंने जो डिवीज़न निकाली थी तो 4 फ्रेमें मेरे पास बड़ी थी जो कि मुझे बड़े बॉक्स में लगानी थी, लेकिन मेरे पास बड़े बॉक्स नहीं थे। तो मैंने क्या किया, जो मेरे छोटे बॉक्स हैं इनका भी बॉटम बोर्ड अलग होता है, तो उसका एक का बॉटम बोर्ड अलग करके एक दूसरे के ऊपर सुपर लगा के, तो नीचे वाली जो हमारे 2 बॉक्स हैं उनमें बड़ी फ्रेमें लगी हुई हैं 4 इस साइज़ की, मैं आप लोगों को बता दूँ, डीप साइज़ जिसको हम बोलते हैं, और ऊपर वाले में लगी हुई है छोटी। तो ये दोनों अलग अलग थी। जो इस बॉक्स की क्वीन है, जो नीचे वाला था उसकी क्वीन जो है टाइम पे मेट नहीं हो के आ पाई थी, पता नहीं उसके साथ क्या प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन मैंने देखा था इसकी क्वीन निकल गई थी लेकिन मेट होके वापस नहीं आई। और जो ऊपर वाला छोटा बॉक्स है वो एक अलग कॉलोनी थी, अलग जगह पर रखी थी, उसकी क्वीन मेट होके आ गई थी, तो नीचे वाला क्वीन लेस हो गया था। तो मैंने जो वो ये साइड में रखा हुआ बॉक्स इसके ऊपर रख दिया था, ताकि इस बॉक्स की जो हम क्वीन बदल सकें, या फिर दोनों बॉक्सों को मिला के एक बना दिया था, जो कि अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और 2-3 दिन पहले मैंने जो अपने बॉक्सेस की चेकिंग लगाई थी, सिर्फ ऊपर वाली मैंने छोटी फ्रेम ही देखी थी, छोटी साइज़ की, मीडियम साइज़ की फ्रेम है इस साइज़ की, तो मुझे लगा कि ये बॉक्स अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया, इसकी जो है इसको बड़े बॉक्स की ज़रूरत है, अदरवाइज़ ये इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अगर मैं इसको ध्यान नहीं दिया तो इसके पास ज़्यादा जगह नहीं बचेगी, और ज़्यादा जगह नहीं बचेगी तो हो सकता है ये स्वारम कराए, और हो सकता है मैंने नीचे जो बड़ी फ्रेमें यहाँ पे लगाई हैं वो नीचे जो है पूरे नीचे तक नहीं जा रही हैं, वो यहाँ तक पहुँच रही हैं, हो सकता है उन्होंने नीचे यहाँ पर छोटे मोटे छत्ते भी लगा लिए हों। लेकिन हमें इसका बॉक्स बदलना ही, तो मैं चाहता हूँ हमें ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए, हो सकता है हम पहले भी लेट हो चुके हैं। तो देखते हैं और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ हमारी नई क्वीन, हालांकि सिर्फ 4-5 ही बन पाई, वो किस प्रकार से अच्छा काम करते हैं और किस प्रकार मैं इसको जो चेंज करने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटे वाला बटन दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो मैं इसको साइड में रख देता हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर वाली छोटे फ्रेम में है जो वो इस छोटे बॉक्स में लगाएंगे। मैं आपको दिखा दूं, पहले मैं इसको साइड में रख लेता हूं यहां पे, और थोड़ा सा मेरा कैमरा भी क्लोज लेके आके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। वो मैंने रख दिया, और छोटा जो है इसमें ये भी लगा दिया मैंने इसमें, क्योंकि इसमें सिर्फ 4 फ्रेम ही लगी हैं, तो मैंने इसमें 4 फाउंडेशन शीटें ली हैं और 2 छत्ते लिए हैं, वो मैं बाद में आपको दिखाता रहूँगा। तो इसको भी हम लोग जो साइड में रख रहे हैं यहाँ पे, हम इसको साइड में रख देते हैं और मैं फिर आप लोगों को जो है दिखाता रहूँगा। तो चलिए हम दोस्तों हम इस बॉक्स को जो खोलते हैं और चेक करते हैं अंदर क्या है। तो मैंने कल परसों जो ये खोला था, और ये इन्होंने ज़्यादा प्रोपोलिस नहीं लगाई है तो इसलिए आसानी से ये खुल गई। और मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि बॉक्स जो ऊपर से हमें स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, हो सकता है आप देख पा रहे हो, नहीं तो कैमरा नज़दीक लेके आके आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आप ज़्यादा अच्छे से नहीं देख पा रहे, मैं आप लोगों को एक बार दिखाना चाहता हूँ। तो ये देखिए, ये हमें सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देने लग गया, इसका मतलब इनको और भी जो स्पेस की ज़रूरत है। तो अभी हम यहाँ पर कैमरा रख देते हैं और कोशिश करता हूँ मैं आपको अच्छा व्यू देने की। और ये जो हमारा यहाँ पे रखा हुआ है, मैं आप लोगों को दिखा दूँ, इसमें हमने 4 फाउंडेशन शीटें ली हैं, ये 2 उस साइड कर देंगे और 2 इस साइड कर देंगे, और बीच में हमने 2 छत्ते लगा लिए हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊँगा, क्योंकि जो फ्रेम हम इसमें 4 निकालेंगे वो बिल्कुल जो बीच में देने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, टाइम पे हम इसको बड़े बॉक्स में नहीं डालते तो हम लोग सोचते हैं कि ज़्यादातर बड़े बॉक्स हमारे स्वारम कराते हैं, ऐसा नहीं होता, छोटे बॉक्स भी हमारे जो स्वारम करा सकते हैं, अगर हम उनको पूरा स्पेस नहीं देंगे उनको लगेगा कि उनके पास जो जगह है वो कम पड़ गई है, तो वो भी स्वारम के बारे में सोच सकते हैं, या फिर अगर अभी मौसम ज़्यादा ठंडा हो सकता है वो स्वारम के बारे में ना सोचें, लेकिन उनका जो नुकसान होगा, वो जितना ग्रोथ कर सकते थे इतना वो ग्रोथ नहीं कर पाते। मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखिए कितनी अच्छी फ्रेम है, कितना अच्छा जो इस पर ब्रूड है सारा कुछ, इस साइड भी कुछ बंद ब्रूड है, ऊपर अच्छा अच्छा जो इन्होंने वो भरा हुआ है नेक्टर और पोलन, सारी चीज़ें हैंगी अवेलेबल। और मैं आप लोगों को बता दूं, जिस साइड वाली फ्रेम होगी हम उसी साइड लगाएंगे, तो इसको हम जो है
इस साइड लगा रहे हैं। तो इसमें मैं आप लोगों को दिखा दूं, साइड में जो हमारी दो हैं वो फाउंडेशन शीटें लगी हुई हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे जो फाउंडेशन शीटें लगी हैं दो। और अभी क्योंकि इसको जो ग्रोथ करने की ज़रूरत है, मेरे पास एक्स्ट्रा ज़्यादा छत्ते नहीं थे तो मेरे पास कम ही छत्ते थे, तो ये दो मैं इनको छत्ते दूंगा। एक ये छत्ता है जिस पर ऑलरेडी मक्खियाँ जो अभी चढ़ गई हैं, क्योंकि मैंने ये छत्ता इसके साथ लगा दिया था। तो ऐसा ही इस साइड है, दो फाउंडेशन सीटें हैं और एक छत्ता है। तो हम ऐसे ही इनको लगाएंगे, इन चार फ्रेमों को हम बिल्कुल जो है बीच में लगाएंगे। और इन्होंने बीच में छोटे छोटे जो छत्ते लगा ली थी नीचे, आप देख सकते हो एक्स्ट्रा, वो हमको थोड़े से तोड़ने पड़ेंगे। क्योंकि हो सकता है इनके बीच में स्पेस ज़्यादा हो, इसलिए इन्होंने एक्स्ट्रा छत्ते लगा लिए, दोनों बॉक्स का कम्बिनेशन अच्छे से ना बन रहा हो। और इस प्रकार फिर हम इसको ऐसे ही दूसरे नंबर पे लगा देंगे जिस नंबर पे ये थी। और आप लोग देख पा रहे हो कितना अच्छा ब्रूड है, काफ़ी बेहतरीन ब्रूड है। देखिए आप क्वीन की क्वालिटी देख सकते हो ब्रूड को देख के ही। हम यहाँ इसको इस पे लगा रहे हैं। तो इस प्रकार मैंने ऊपर वाली फ्रेम में देखी थी, और दो तीन फ्रेम में देखने के बाद मुझे ये पता चला कि हमें जो है इसका बॉक्स बदल देना चाहिए, या फिर हमें ये पता चला कि बॉक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है, इसका ब्रूड पैटर्न जो काफ़ी अच्छा है, हमारी क्वीन जो काफ़ी अच्छी है, लेकिन वो मेट कम हो पाई क्योंकि 20 में से सिर्फ 4-5 ही मेट हो पाई। यहाँ पे रोबिंग का जो ज़्यादा प्रॉब्लम चली हुई थी, तो इन्होंने नीचे काफ़ी छत्ते लगाए हुए हैं, निकालने में थोड़ी सी हमें मुश्किल हो रही है। अब इसका जो हम एक्स्ट्रा ये छत्ते हैं ये निकाल रहे हैं नीचे वाले, हम थोड़ा सा धुआं लगा लेंगे। और क्वीन की तरफ मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, पता नहीं क्वीन यहाँ पे होगी या फिर नीचे होगी, हो सकता है वो नीचे हो क्योंकि ऊपर की जगह वो लगभग सारी फिल है। और आप लोग देख पा रहे होगे इन्होंने कितना अच्छा ब्रूड पैटर्न दिया। पहले जो इसका ब्रूड पैटर्न था, मैं आप लोगों को बता दूं, वो यहाँ से लेके यहाँ तक छोटा था, अभी इन्होंने जब इसको बढ़ाना शुरू कर दिया, और ऊपर आप देख रहे होगे इन्होंने शहद भी जो काफ़ी वो कर दिया। ये मेरी एक अलग डिवीज़न थी छोटी, जिसमें मैंने तीन फ्रेम इनको मक्खियों की दी थी, जिसमें दो ब्रूड की थी और एक शहद की थी, और एक मैंने खाली जो छत्ता लगाया था। तो एक्स्ट्रा जो हम ये फेंक रहे हैं हमारा जो, और इसको हम जो यहाँ पे लगा रहे हैं तीसरे नंबर पे, इसको हमने यहाँ पे लगा दिया। और बॉक्स में आप लोगों को बता दूँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये, हमने टाइम पे पता नहीं इसको देख लिया, या मुझे लगता हम लेट हो गए, इसको अगर एक वीक पहले ही इसका बॉक्स चेंज कर देते तो ये और भी अच्छा जो है परफॉर्म कर सकता था। चलो जो हो गया सो हो गया। और ये फ्रेम जो हमारी शहद की भरी हुई है, इस पे कोई ब्रूड नहीं है, तो हम ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे इस छत्ते को बीच में ले सकते हैं और शहद वाली फ्रेम को हम बाहर लगा सकते हैं। तो वैसा ही हम करेंगे, छत्ते को बीच में लेंगे और जो शहद वाली फ्रेम को हम साइड में लगा लेंगे। और ये ऊपर वाला बॉक्स जो हमारा लगभग खाली हो गया, हम इस ऊपर को उतारते हैं और मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। और ये भी इन्होंने ज़्यादा नहीं चिपकाया था, पता नहीं क्यों इस बॉक्स ने प्रोपोलिस ज़्यादा नहीं लगाई। तो इस प्रकार मैं आप लोगों को एक बार और अच्छे से बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे ले आके। तो जो ये है कि साइड में जो हमारी बीच वाली चार फ्रेम थी यहाँ पे लगाई है, ये फाउंडेशन सीट लगाई, ये फाउंडेशन सीट लगाई, ये हमारे पास छत्ता था जो खाली वो लगा दिया, और ये उसी सीरियल में लगा दिए। लेकिन इस फ्रेम पे जो शहद था ये हमने बाहर ले लिया, और हमने बीच में खाली छत्ता ले लिया, और साइड में जो हमारे यहाँ पे वो सीटें ही लगी हुई हैं, ये मैंने आपको दिखा दिया। और अभी जो इस दो बॉक्स में जो रहेगी हमारी साइड वाले में, मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इस प्रकार दोस्तों हम जो निकालेंगे नीचे से, और नीचे वाले में हमें पता सिर्फ चार ही फ्रेम है, तो नीचे वाले में हमने जो छह फाउंडेशन सीटें यूज की हैं, और तीन को एक साइड कर लेंगे, हम तीन को एक साइड कर लेंगे, और बीच में जो चार फ्रेमें निकलेंगी उनको हम लोग जो है बीच में ही लगाने जा रहे हैं। स्मोकर भी अच्छे से काम नहीं कर रहा, पहले जो एक्स्ट्रा छत्ते लगे हुए हम इनको हटा सकते हैं। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हो, जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, मैं कभी भी सिंगल बॉक्स से या फिर बिना सुपर के शहद नहीं निकालता हूं। तो ऐसे में हम इनको बढ़ने देंगे, और आप लोग देखेंगे जो कि मैंने 3 तारीख को ये डिवीज़न लगाई थी, अभी इसको लगभग 45-48 दिन हो गए, इसने अच्छा काम कर लिया। और अगले एक महीने भी छोड़िए, आप मुझे लगता है 3 वीक में लगभग ये इस पूरे बॉक्स को कवर कर लेगी, दोनों को जो हम देने जा रहे हैं। और अगर हमारे पास फाउंडेशन सीट की जगह पे छत्ते होते तो लगभग 21 दिन में हम देखते कि सारी फ्रेमों पे हमें जो अच्छा काम मिलता है, किसी पे जो है शहद, किसी पे पोलन, किसी पे ब्रूड लार्वा, सारा कुछ हमें मिल जाता। लेकिन अब हम इन्हें जो फाउंडेशन सीटें दे रहे हैं तो थोड़ा सा इनको जो है ज़्यादा टाइम लगेगा ग्रो करने में। और इस पर देख पा रहे होगे आप,
कितना अच्छा ब्रूड है, और वही ब्रूड जो मैंने आपको बता दिया कि बीच में से निकल चुका है, साइड में अभी बंद है, और साइड में जो पोलन से भरी हुई है, ऊपर थोड़ा सा शहद है, इसको बड़ी अच्छी क्वीन हम मान सकते हैं। और जब मैंने ये डिवीज़न लगाई थी तो मैंने इसमें एक शैल लगाया था, जैसे कि आप जो जानते होंगे कि मैं अपनी क्वीन जो है ग्राफ्टिंग से बनाता हूँ, तो ग्राफ्टिंग से बनाया हुआ मैंने अपना एक शैल लगाया था इसमें, तो उस सेल से हमारी अच्छी क्वीन निकली और अच्छी परफॉर्म कर रही है। हालांकि जो बड़ी फ्रेमों वाली क्वीन थी वो मेट नहीं होके आ पाई थी, तो हमने इसको क्वीन बदल दी थी दूसरे छोटे बॉक्स के साथ, जिसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। और दूसरे नंबर की निकाल दूँ, काफ़ी बीच बीच में से निकल चुकी है, बीच में जो आप लोग देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छा जो है लार्वा बन चुका है, और काफ़ी अच्छा ब्रूड पैटर्न है, काफ़ी खुश हूँ मैं इस क्वीन की परफॉर्मेंस से, इसके प्रदर्शन से। तो इस प्रकार हमने जो लगा दिया, और हम इनकी जो है कोई चेंज नहीं करेंगे कि दूसरी को पहले नंबर पे लगा देंगे, पहले को दूसरे नंबर पे लगा देंगे, ऐसा नहीं करने जा रहे हम, सेम उसी पोजीशन में लगाएंगे जैसे जिस पोजीशन में थी, क्योंकि हम लोग इसका बॉक्स बदलने जा रहे हैं और बॉक्स का साइज काफ़ी बड़ा है, तो हमें इनकी पोजीशन को चेंज नहीं करना, पोजीशन हमें सेम ही रखनी है, ताकि अपने ब्रूड को या फिर अपने जो है घर को अच्छे से मेंटेन करके रख सकें। दोस्तों मुझे अभी तक क्वीन नहीं मिली है, उसका मुझे पता नहीं है, या फिर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैं दोबारा ट्राई करूँगा, या फिर हो सकता है हमारी जो लास्ट फ्रेम बची हुई इस पे हो हमारी क्वीन, इसमें ज़्यादा वेट है, मुझे ज़्यादातर तो इस पे शायद ही लग रहा है। और इस पे काफ़ी ज़्यादा नेक्टर है, और नेक्टर जो है नीचे टपक रहा है, तो मिल गई है हमें अपनी क्वीन मिल गई। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा आता हूँ आपके पास, और हमें जो है लास्ट फ्रेम पे जाके हमारी क्वीन मिली है, जो कि यहाँ पे है, देख पा रहे होगे आप लोग, यहाँ पे हमारी क्वीन है, देख पा रहे होगे कितनी अच्छी क्वीन, और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और नई क्वीन है, ग्राफ्टिंग से बनाई हुई क्वीन है। तो आप इसका काम देख सकते हो जो है लास्ट 40-45 दिन में, जबकि हमारी एक कॉलोनी थी वो काफ़ी छोटी थी। मैं आपको बता दूं, अगर टोटल मिलाओगे तो ये सिर्फ 3 बड़ी फ्रेम की कॉलोनी थी, 3 डीप फ्रेम की हम कॉलोनी जिसको कह सकते, जिसमें हमने बिल्कुल थोड़ा सा नाम मात्र ही जो है ब्रूड दिया था, और बाकी ये देख लिया हमने जो 6 फाउंडेशन शीटें लगा दी हैं। और ज़्यादातर लोगों को मैं आप बता दूं कि हमें ये लगता है कि अगर हम बड़े बॉक्स में अपनी मक्खियों को रखेंगे तो उनको सर्दी परेशान करेगी या कुछ भी होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर हमारी कॉलोनी अच्छी है और हम केवल ब्रूड से जो शहद नहीं निकाल रहे, तो हमें बाकी कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। हालांकि नीचे इस पे चींटियों ने भी अपना थोड़ा सा वो कर रखा है, हम इसको एक बार साइड में झाड़ देते हैं, तो इनके बारे में भी हम सोचेंगे। तो नीचे हम यहाँ पे अपना बॉटम बोर्ड रख रहे हैं, यहाँ पे हमने अपना बॉटम बोर्ड रख लिया, ताकि जो है हमारे बॉटम बोर्ड को दिमक ना लगे। हमने नीचे एक जो प्लास्टिक का बैग सा जो रखा हुआ है, जो सीमेंट का बैग होता है, ज़्यादातर बीकीपर लोग इसको जानते हैं, और हमने ये बॉक्स रख दिया। तो ज़्यादातर हम लोग यही सोचते हैं कि हमने अगर बड़े बॉक्स में रख दिया, या फिर हमारी छोटी कॉलोनी है, 2-3 फ्रेम की कॉलोनी है, तो उसको सर्दी परेशान करेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम ब्रूड से शहद नहीं निकाल रहे तो हम उसको ऐसे रख सकते हैं, और ये हमने जो है इसका बड़े बॉक्स में चेंज कर दिया है, ये देख पा रहे होगे आप लोग, हमने इसके ऊपर ये लगा दिया। और इनर कवर भी मैं यहाँ पे जो लकड़ी का यूज़ कर रहा हूँ, तो हम यहाँ पे इनर कवर मैंने लगा दिया, इनको बिल्कुल भी सर्दी परेशान नहीं करेगी। 2-3 वीक के बाद, 2 सप्ताह में या 3 सप्ताह में आप लोगों को दोबारा ये दिखाऊंगा कि किस प्रकार ये बॉक्स हमारा जो है परफॉर्मेंस कर रहा है, किस प्रकार अच्छा काम कर रहा है। तब आप देख पाओगे अगली वीडियो में कि इससे क्या कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ा। तो अभी मैं सर्दी के बारे में थोड़ी सी आप लोगों से बात करता हूँ। तो इस प्रकार दोस्तों हमने जो अपनी कॉलोनी को वो शिफ्ट कर दिया बड़े बॉक्स में, इससे जो बीज की काफ़ी हेल्प होगी, उनको काफ़ी सारा जो है स्पेस मिल जाएगा, जगह मिल जाएगी काम करने के लिए। और हमने जो अपनी फ्रेम है वो बीच में इसलिए लगाई हैं ताकि जो मक्खियां वो दोनों तरफ बराबर की ग्रोथ कर सकें। तो ज़्यादातर बीकी पर हम क्या करते हैं, जो अपनी फ्रेम होते हैं उनको एक साइड लगा देते हैं, और जो सीटें होती हैं दूसरी साइड लगा देते हैं, लेकिन ऐसा करने की हमें ज़रूरत नहीं है, और मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं इनको सेंटर में लगा देता हूँ। अब ये क्या करेंगे, दोनों बॉक्स जो ग्रोथ करेंगे, इस साइड बढ़ती रहेंगी और उस साइड दोनों साइड बढ़ती रहेंगी, और अगले 2-3 वीक में हमें देखने को मिलेगा कि ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके लगभग हमारे बॉक्स को भर देंगे। और 2-3 वीक के बाद जब मैं इसकी अगली वीडियो बनाऊंगा, तो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि इन्होंने जो कितनी सीटों को जो अरेंज कर लिया, उनके छत्ते बना दिए, और कितनी सीटें बची हुई हैं, और जो सीटें हमारी बच गई जो इन्होंने अरेंज नहीं की हैं, तो किस प्रकार हम इसकी मैनेजमेंट करेंगे, वो जल्दी से जल्दी उन सीटों को भी अरेंज कर दें। और मैं आप लोगों को बता दूं, मैं कभी भी ब्रूड जो है ब्रूड वाले चैम्बर से या फिर ब्रूड वाली फ्रेम से शायद नहीं निकालता हूँ, तो हम इसको ज़्यादा स्पेस दे देंगे। और सपोज कीजिए अगर ये 3-4 फ्रेम की जो हमने डिवीज़न
लगाई थी जो 3 फ्रेम की थी, मान के चले 4 की थी। अगर हम इससे अभी शहद निकाल लेते, एक बार निकाल लेते, दो बार निकाल लेते, पूरे सीजन में जाके 9 फ्रेम तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि हम बार बार इससे जो है शहद निकालते रहते। अगर हम दूसरे बॉक्सेस से ब्रूड दे रहे होते तो हो सकता है पहुँच भी जाती, तो ये बहुत स्लो ग्रोथ करती। और हमें कितना ज़्यादा शहद, कितना शहद दे पाती, 5 या 10 किलो हमें दे देती, उससे ज़्यादा दे नहीं पाती। ऐसी सिचुएशन में ये रहेगा कि ये बॉक्स अपनी पूरी ग्रोथ भी कर लेगा और ये लगभग जो है हम मान के सकते हैं 16-17 फ्रेम पे भी पहुंच जाएगा, और उसके बावजूद हमें ये एक सुपर जो भर के शहद का भी दे देगा, हम जो कि हम ब्रूड वाली फ्रेमों से नहीं निकालेंगे। मैं इस पे तीसरा सुपर लगा के उससे ही शहद लूँगा, या फिर उन फ्रेमों से शहद लूँगा। अगर साइड वाली फ्रेम इसने शहद की भर दी तो उन फ्रेमों से भी हम शहद ले सकते हैं, लेकिन ब्रूड वाली फ्रेम से हम शहद नहीं निकालेंगे। और उसकी बजाय अगर हम इससे पहले शहद निकालते रहते तो लगभग शहद हम जब निकालते हैं काफ़ी ब्रूड को ख़राब कर देते हैं, कुछ टेम्परेचर के कारण और कुछ हम चाकू वगैरह से, तो उससे हमारा बॉक्स अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता। हमें मक्खियों को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए और पेशेंस रखना चाहिए, धीरे रखना चाहिए कि उनको काम अपनी मर्जी से करने दें। और अगर आपको ये लग रहा है कि हमने इसको ज़्यादा बड़े बॉक्स में चेंज कर दिया, इसको सर्दी प्रॉब्लम करेगी, देखिए सर्दी से इतनी ज़्यादा मक्खियों को प्रॉब्लम नहीं होती। कई बार हम क्या सोचते हैं कि हमें एक जो है बैग टाइप का इनर कवर लगाते हैं और उसके नीचे अखबार लगा देते हैं ताकि इनको सर्दी जो है ज़्यादा परेशान ना करे। देखिए मक्खियों को ज़्यादा सर्दी परेशान नहीं करेगी, अगर हमने उसी सीरीज में इनको लगाया है और इनके पास पर्याप्त शहद है तो इनको ज़्यादा सर्दी तंग नहीं करेगी। सर्दी या फिर कुछ भी चीज़ इनको तंग करेगी जब हम इनके साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करते हैं, ब्रूड वाली फ्रेमों से शहद निकाल लेते हैं, कुछ ऐसा भी करते हैं, तो मजबूरन कुछ भी कीपर को निकालना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे हमें ऐसे ट्राई करना चाहिए, कुछ बॉक्स को हमें टाइम देना चाहिए कि आप अपनी मर्जी से अपनी ग्रोथ करोगे, हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार हमारे जो बॉक्स अच्छे परफॉर्म करते हैं। अगर हमारी क्वीन अच्छी है तो वो काफ़ी अच्छे परफॉर्म करेंगे। तो पूरे सीजन के दौरान मैं आपको इसकी वीडियो बना के दिखाता रहूँगा कि हमारे लिए कितना शहद बनाएगा और कितनी जो है फ्रेम की मक्खी भी हमें बना के दे देगा अगर हम ब्रूड वाले जो है छत्तों से शहद नहीं निकालते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव या अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।